एंड नाउ कमिंग बैक टू द डेमो, देखिए ये है पानी, इसका मतलब है दिस इज वेरी क्लियर वाटर एंड इट शोज क्लियरिटी एंड दिस इज हाउ वी आर बॉर्न. हम हमारे अंदर कोई फ्लॉ नहीं होता, कोई दिक्कत नहीं होती, हम बिल्कुल साफ होते हैं, हमारे अंदर कोई अवगुण नहीं होता. लेकिन देन लाइफ हैपन्स. आपको कोई कहता है कि आप छोटे हो, कोई कहता है कि आप मोटे हो, कोई कहता है कि आपसे हो नहीं सकता, कोई कहता है कि आपके लेवल नहीं है, कोई ये भी तक भी कह देता है कि ये आपके बस की बात नहीं है, कोई कहता है कि आपसे कभी नहीं हो पाएगा. फिर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी के चलते, किसी सिचुएशन के चलते, किसी सरकमस्टांस के चलते आपके अंदर नेगेटिविटी भरती रहती है और उस क्लियर सॉल्यूशन से आप एक बिल्कुल ही डार्क सॉल्यूशन यानी कि आप पॉजिटिविटी से नेगेटिविटी की ओर चले जाते हैं एंड देन यू बिकम रियली रियली नेगेटिव और आपके अंदर जो सेल्फ टॉक्स है, आपकी जो कॉन्फिडेंस है वो कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाता है और आप पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर चले जाते हैं एंड देन लोग क्विट कर जाते हैं, उनको लगता है कि मेरे से नहीं हो पाएगा एंड देन आई लीव. लेकिन फिर कुछ सक्सेसफुल लोग होते हैं, फिर कुछ हिम्मती लोग होते हैं जो कि नेगेटिविटी को ख़त्म करने के बारे में सोचते हैं और वे पॉजिटिविटी से ऐसा करते हैं. तो पॉजिटिविटी, ये तो बहुत ही सिंपल टर्म लगी. फिर लोग क्या करते हैं, जो एवरेज लोग होते हैं, जो नॉर्मल होते हैं, वे पॉजिटिविटी ऐड करने की सोचते हैं. वे थोड़ी पॉजिटिविटी ऐड करी, थोड़ा सा तो सॉल्यूशन क्लियर हुआ, थोड़ा सा तो उनके अंदर पॉजिटिविटी आई, लेकिन अब भी जो आपके अंदर का जो आपका नेचर है वो अभी नेगेटिव है, वो अभी डार्क है. थोड़ी आप और ऐड करते हो और ऐसे ऐसे करते करते आप थक जाते हो, लेकिन आप अपना और पावर लगाते हो और इस बार आप एक आप फिर इसके बाद आप एक ग्लास के जितना नहीं, मतलब अगर आप रेशियो के अंदर ले, फिर आप एक बहुत ज़्यादा, एक बहुत ही बड़ा अप्रोच लेते हो और थोड़ा और धीरे 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 ऐड करते रहते हो, लेकिन अब भी कोई खासा फर्क नहीं पड़ता. अब भी जो आपका सॉल्यूशन है वो डार्क है, अब भी आपके अंदर नेगेटिविटी भरी हुई है. तो नाउ द रियल थिंग कम्स इनटू द प्ले. कई लोग अब भी क्विट कर जाते हैं, कई लोग सोचते हैं कि अगर मैंने इतने एफर्ट्स लगा लिया, मैंने पॉजिटिविटी को हराने की इतनी सोच ली, मतलब नेगेटिविटी को हराने का इतना सोच लिया, मैंने इतनी सारी पॉजिटिविटी ऐड करी, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ एंड देन दे क्विट. एंड नाउ इट्स द टाइम व्हेन द रियल एंड द सक्सेसफुल पीपल कम्स इनटू द प्ले और वे एक ग्लास जितना नहीं, एक जग जितना नहीं, लेकिन एक बहुत ही पावरफुल अप्रोच लगाते हैं और बहुत ही लगातार सोचते रहते हैं, पॉजिटिविटी अपने अंदर लाते रहते हैं और वो सॉल्यूशन क्लियर होता है और एंड में बहुत ही ज़्यादा पावर के साथ, बहुत ही ज़्यादा एफर्ट्स के साथ, बहुत ही ज़्यादा अपने अंदर पॉजिटिविटी भर के एक ऐसे लेवल पर पहुँच जाते हैं, एक ऐसे मुकाम पर पहुँच जाते हैं कि उनके अंदर नेगेटिविटी का एक भी कण, एक भी एटम नहीं बचता, आप उसको इसके से सकते हैं और वे नेगेटिविटी को कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय कर लेते हैं और कम्प्लीट पॉजिटिव एप्टीट्यूड और एटीट्यूड को अपना लेते हैं. तो दिस इज व्हाट सक्सेसफुल पीपल डू. तो आपको समझ ही आ गया होगा कि सक्सेसफुल पीपल और नॉर्मल पीपल के बीच में क्या डिफरेंस होता है. सक्सेसफुल लोग पॉजिटिविटी को कभी भी नहीं छोड़ते, जो नॉर्मल लोग होते हैं वे थोड़ा पॉजिटिविटी ऐड करने के बाद रुक जाते हैं, थम जाते हैं, थक जाते हैं, लेकिन जो असली सक्सेसफुल लोग होते हैं वो पॉजिटिविटी को कभी भी नहीं छोड़ते बिकॉज पॉजिटिव थिंकिंग, पॉजिटिव एप्टीट्यूड इज नॉट वॉट यू हैव टू डू समटाइम. थोड़ा सा ऐड करना कभी कभार के बराबर है, लेकिन आपको पॉजिटिविटी को हर एक सेकेंड के अंदर, हर एक टाइम के अंदर आपको अपने अंदर फिल करते रहना है और आपको पॉजिटिविटी का हाथ कभी भी नहीं छोड़ना, क्योंकि अगर आप पॉजिटिविटी को छोड़ देते हैं फिर आप क्विट करते हैं और ऐसी कई और चीज़ें. तो गया डेमो. अगर मैं आपको थोड़ा और बताऊं तो पॉजिटिव अगर हमको रहना है, अगर हमको सक्सेसफुल बनना है, तो हमें थोड़ी बहुत और चीज़ों को अभी याद में रखना होगा. जैसे कि लोग आलोचनाओं से, किसी की बात से, किसी के ताने से, किसी के सरकाज़म से, किसी के काउंटर अप्रोच से थक जाते हैं, डर जाते हैं और वे अपने गोल को पीछे छोड़ देते हैं. वे भूल जाते हैं कि मेरे को क्या करना है और वे नेगेटिविटी के अंदर चले जाते हैं, लिक्विड. जो उनका गोल होता है वे उसको नहीं अचीव करते. लेकिन जब आपके अंदर पॉजिटिविटी भरी हुई होती है तब ऐसा कोई भी ख्याल आपके मन के अंदर नहीं आता एंड देन यू अचीव वट एवर यू कैन, देन यू कैन अचीव योर पोटेंशियल, योर प्रोडिजी एंड इवन योर टैलेंट. तो